हाल ही में खबर आई है कि साउथ इंडस्ट्री की 2021 में रिलीज हुई अखंडा मूवी अब हिंदी डब में थिएटर्स में दिखने वाली है। ऐसा माना जा रहा है कि अखंडा मूवी 20 तारीख को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इसी के 5 दिन बाद में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की पठान मूवी भी रिलीज होने वाली है। तो ये काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगा देखना कि कौन सी मूवी कितना कलेक्शन कर पाएगी। अखंडा मूवी का ट्रेलर देखने के बाद ऐसा लगता है कि यह एक बहुत ब्लॉकबस्टर मूवी रहने वाली है। इसके अंदर जो एक्शन सीन्स दिखाए गए हैं वो हमारे रोंगटे खड़े कर देती हैं। और इसके अंदर हिंदू धर्म का एक नया पर्सपेक्टिव दिखाया गया है। विधि से, विधाता से, विश्व से सवाल मत करो। आपको मैं एक बात बता दूं कि बॉलीवुड है उसका ये हमेशा से एजेंडा रहा है कि हमें एंटी हिंदू मूवीज़ बनानी है और वो ही पोर्ट्रेट करना है। हमें बॉलीवुड की मूवीज़ के अंदर जब कभी हिंदू धर्म की बात करते हैं तो वहाँ पे ढोंगी, पाखंडी या लालची ही व्यक्तियों का पोर्ट्रेट किया जाता है। मेरी सासू माँ बीमार रहती थी तो मंदिर वालों ने कहा कि 11,000 रुपया दो, पूजा कराओ फिर देखो। तो पूजा कराई और सासू माँ टपक गई। जिस तरह म्यूजियम में मोम का पुतला दिखाकर पैसे लिए जाते, बस मंदिर में पत्थर का पुतला दिखाकर पैसे ले लेते, और पुजारियों की तो सैलरी भी होती है। तो अब ये देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा कि पठान मूवी के सामने जब अखंडा टकराएगी तो कौन सी मूवी बाजी मार जाएगी। आप कमेंट करके हमें ये जरूर बताइए कि आप कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे। और ऐसी ही बॉलीवुड और सिनेमा जगत की वीडियोस देखने के लिए आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।